रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर आर्मी के बीच फंसे भारतीय लड़कों के रिश्तेदारों ने भारत सरकार से उन्हें जल्द वापस लाने की गुहार की है। हेल्पर का एग्रीमेंट है बोल के कराया गया, लेकिन जबकि वो मिलिट्री का एग्रीमेंट था। हर 20-20 दिन को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके गए इनको। जब लास्ट 31 दिसंबर से पहले जो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे थे, वहाँ से भी लोग कांटेक्ट में थे एजेंट के, कि हमारे को यूक्रेन बॉर्डर तक ला लिए, हमारे को अब यूक्रेन भेजते शायद कुछ करो, बोले तो वो लोग बोले थे आपको वहाँ नहीं भेजेंगे, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। दूसरे दिन उन लोगों को यूक्रेन लेके चले गए वहाँ पर, जिसके बाद से हमारा बच्चा अभी तक कांटेक्ट में नहीं है। हेल्पर सेक्रेटरी जॉब बोल के जो है ना उनको आर्मी की जॉब दी गई, अभी वो वहाँ पे लेटर वेटर साइन हो गया, रशियन लैंग्वेज में था वो, लड़कों को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया गया। एजेंट लोग जो है पूरा बोले थे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट कंपनी बोल दिया उसमें तुम सिग्नेचर करो बोल के। अब हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लड़कों को जल्द से जल्द वापस भारत देश वापस बुलाएं। तो आपने रिश्तेदारों को सुना जो विक्टिम रहे, और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जो लड़के वैगनर में भर्ती हुए वो सिर्फ एक रूट से रूस गए, और वो रूट है एजेंट बाबा का, बाबा व्लॉग नाम से, जो कि यूट्यूब से जुड़ा है। आखिर कैसे इन लड़कों को एक चालबाज एजेंट ने फंसाया, आइए अब आपको ये बताते हैं। एजेंट बाबा का ये फर्जीवाड़ा है, देखिए आपको बता रहे हैं, ये एजेंट फैजल खान जिसका असली नाम है और बाबा उर्फ बाबा कहा जाता है, यूट्यूब चैनल चलाता है बाबा व्लॉग्स नाम से, सुफियान बाबा का भाई बताया जा रहा है, और मोइन जो है वो मॉस्को में बैठा एजेंट है, और पूजा जो है इसमें जो किरदार है अलग अलग बता रहे हैं आपको कौन कौन है, पूजा मुंबई में बैठी एजेंट है। अब वीडियो देखकर झांसे में आए ये युवा, ये जो लड़के हैं तेलंगाना से हो या कर्नाटक से, ये झांसे में आ गए। बाबा के यूट्यूब चैनल से झांसे में आए ये लड़के, 3 लाख रुपया देकर रूस भेजने की बात हुई और एज ए सिक्योरिटी में जाने की बात की गई। रूस जाते ही वैगनर आर्मी में भर्ती करा दिया गया, जबरन भर्ती करा दिया गया। रूसी एजेंट हिंदी अंग्रेजी नहीं समझता, युवाओं ने इशारों में ही से ही बात समझाई। अब एजेंट फोन नहीं उठा रहा है, अब जब रिश्तेदार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा है। और नौकरी का वादा करके रूस ले जाए गए 12 भारतीय लड़कों के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत सरकार से उन्हें जल्द वापस भारत लाने की मांग की है। मैं भारत सरकार से, खास तौर से हमारे देश के वजीर आजम जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मर्तबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार फौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे।